तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अंदोस कमांडो भाई। और काफ़ी लोगों के जो फ़ोन कॉल आ रहे हैं वो इस वजह वो मेरा क्या कर रहे हैं, एक वीडियो देख ले रहे हैं, उनको डिस्क्रिप्शन में या वीडियो में कहीं पर मेरा नंबर मिल जा रहा है और बिना किसी जानकारी के वो लगातार फ़ोन कर दे रहे हैं और यही सवाल पूछ रहे हैं कि सर क्या क्या सामान लें। देखिए, मैं कौन कौन सा सामान लेना है ये वीडियो मैं लगभग बहुत बार बना चुका हूँ और मुझे नहीं लगता कि बार बार मैं उसी टॉपिक को रिपीट करूं। तो फिर भी अगर आप ये चीज़ जानना चाह रहे हैं, आप एक कार वॉशिंग सेंटर को शुरू करना चाह रहे हैं, एक कार वॉशिंग सेंटर का बिज़नेस आप करना चाह रहे हैं, तो आपने सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपने सोचना पड़ेगा। आपके पास आपने एक जगह देख ली है, आप सोच रहे हैं कि यार मैं यहाँ पर कार वॉशिंग चलाता हूँ, तो आपने क्या करना पड़ेगा, आपने सोचना पड़ेगा। देखिए, कोई भी बिज़नेस आपने बिना सोचे समझे नहीं करना है, आपने सोचना है। सोचोगे तभी कामयाब होगे। तो आपने क्या करना है, आपने एक सपोज ये करना है कि मेरे पास गाड़ी आ गई। देखिए, ये ट्रिक मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने सामान क्या क्या लेना है, आपको मेरे बताने से नहीं होगा। देखिए, ज़रूरत ही आदमी को काम करने पर मजबूर करती है और ज़रूरत ही एक ऐसी चीज़ होती है जिसको पूरा करने के लिए हम लोग दिमाग लगाते हैं, आइडिया लगाते हैं। तो ज़रूरत होनी बहुत ज़रूरी है। आपको जिस जिस चीज़ की ज़रूरत महसूस हो रही है ना, वो चीज़ें आपने लेनी है। तो सपोज़ आपके पास एक गाड़ी आई है, आप खड़ी है गाड़ी, आप क्या करोगे उस गाड़ी को, आपने धोना है, क्लीन करना है, बिल्कुल न्यू उसको आपने शोरूम कंडीशन बनानी है उस गाड़ी की, तो आपने क्या करना पड़ेगा ये सोचना है। आपने वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कर दीजिए, पॉज करने के बाद आप सोचिए कि आप एक बिज़नेस करने जा रहे हैं तो आपने क्या क्या चीज़ें की आवश्यकता पड़ेगी, आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने जैसे आपके पास गाड़ी आ गई, तो सबसे पहले आपने मैट बाहर निकालनी है और गाड़ी को अंदर से ब्रशिंग करनी है। तो पहला क्या चीज़ होगी कि आपको ब्रश की आवश्यकता है और आपको क्या करना है, ब्रश करने के बाद आपने जो कूड़ा गाड़ी में इकट्ठा किया है, पतला कूड़ा, मोटा तो हाथ से निकाल देना, पतला कूड़ा आप क्या करेंगे, धूल मिट्टी कंकड़ वगैरह का आप क्या करेंगे। आपको दूसरा चीज़ चाहिए, वैक्यूम क्लीनर। तो ये सारे लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अभी ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है कि बिना सोचे समझे बिजनेस को नहीं करना है, आपके अंदर एक सोच होनी बहुत ज़रूरी है। और पहली बात यह है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप कोई भी बिज़नेस, दुनिया का कोई भी बिज़नेस आप नहीं कर सकते। कई लोग आपको आएंगे भटकाने के लिए, मना करने के लिए, लेकिन अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, नई सोच है, आप सोचते हैं, तो ज़रूर आप इस बिज़नेस में सक्सेस होंगे। अच्छे से ग्राहक की तो टॉपिक से भटक गया मैं। तो आपने क्या करना है, जैसे आपको वैक्यूम की ज़रूरत है, वैक्यूम के बाद आपको मशीन की ज़रूरत है गाड़ी को धोने के लिए, हाई प्रेशर की ज़रूरत है, ले लीजिए, लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसके बाद आपको शीशा पोंछने के लिए वाइपर की ज़रूरत है। तो अपनी ज़रूरतों को जानिए और उससे ज़्यादा ज़रूरी है ग्राहकों की ज़रूरत को जानिए। गाड़ियाँ अलग अलग प्रकार से गंदी होती हैं। आप ये मत सोचिए कि गाड़ी बस नॉर्मल आई, मेरे पास मैंने पानी मारना है, वैक्यूम करना है, ये वो अलाना फलाना, ये चीज़ नहीं। गाड़ी अलग अलग तरीके से गंदी होती है। आपने हर चीज़ से आपने गाड़ी का मुआयना करना है, एक चक्कर गाड़ी धोने से पहले मुआयना करना है गाड़ी का कि इसमें क्या चीज़ आपको इरिटेटिंग लग रही है, क्या चीज़ आपको खटक रही है, उस चीज़ को दूर कीजिए। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मेरी एक या दो वीडियो देखकर डायरेक्ट कॉल ना करें, सोचें पहले बिज़नेस के बारे में, सोचें आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, सामान कहाँ से मिलेगा, क्या मिलेगा। आप इंडिया मार्ट से ले सकते हैं, अमेज़ॉन से ले सकते हैं, लोकल मार्केट से ले सकते हैं, 100-200 किलोमीटर दूर जाके ले सकते हैं, लेकिन सामान क्या लेना है सवाल यही है। जब तक आप सोचेंगे नहीं, तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि सामान क्या लेना है। स्प्रे बोतल है, कई सामान है जो आप अगर ये मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप अगर जाएंगे तो आपको सारे सामान की लिस्ट मिल जाएगी, जो 10 से 15 से 20 हज़ार के अंदर आपका सारा सामान आ जाएगा, मशीन को छोड़ के। हाँ, मशीन आप HTP भी ले सकते हैं और प्लंजर पंप भी ले सकते हैं। अब HTP और प्लंजर पंप में क्या अंतर है, उसके लिए आपको मेरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो एक आध वीडियो ना देखें, लगभग अच्छे खासे वीडियो मैं बना चुका हूँ, 200-250 देखने हैं, समझना है उनको, तब जाके फैसला करना है। तो रात के 8 बजे मैं लाइव आऊँगा। अगर आपके फिर भी कोई सवाल रह जा रहे हैं तो आप सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।